स्पार्क 24x7 चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने चैनल को मोनेटाइज किस प्रकार से कर सकते हो, वो भी अगर आपका 4000 घंटे वॉच टाइम पूरा नहीं हुआ है उसके बावजूद भी एक नया अपडेट आया जिससे कुछ फीचर से आप कमाई कर पाओगे और यूट्यूब में अपने चैनल को ग्रो कर पाओगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं वो चैनल ओपन कर लेता हूँ जिस पे मेरे को वो अपडेट आया कि आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो मैं चैनल पे चला जाता हूँ। मेरा ये चैनल है कूल बॉय केडी, आप देख सकते हो। और इसमें यहाँ पे अगर आप अर्न पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक नया अपडेट आया है, बिकम ए यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में कुछ फीचर यहाँ पे अनलॉक हो चुके हैं। आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे अप्लाई नो के लिए आ रहा है। मेरा आप देख सकते हो 3351 सब्सक्राइबर है और 3408 घंटे अभी तक हुए हैं, लेकिन अभी भी मैं कुछ फीचर से कमाई कर सकता हूँ। तो मैं वो दिखा देता हूँ, यहाँ पे अप्लाई नो पे क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे अप्लाई नो पे क्लिक करोगे यहाँ पे स्टेप टू अप्लाई के लिए आएगा, रिव्यू बेस ट्रम आ रहा है और साइन अप फॉर गूगल एडसेंस के लिए आ रहा है, गेट रिव्यूड के लिए आ रहा है। यहाँ पे मैं रिव्यू बेस्ड टर्म पे स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ के अप्लाई कर सकते हो। और अच्छे से पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे टिक करना है और एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप एक्सेप्ट पे क्लिक करोगे पहला स्टेप क्लियर हो जाएगा, आप देख सकते हो। इसके बाद साइन अप फॉर गूगल एडसेंस, आपको गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करना है। मैं स्टार्ट पे क्लिक कर देता हूँ। और अगर आपके पास गूगल एडसेंस अकाउंट पहले से है तो यस आई हैव एडसेंस अकाउंट पे क्लिक करोगे। अगर आपके पास गूगल एडसेंस अकाउंट नहीं है तो नो आई नीड टू क्रिएट वन, मैं नया गूगल एडसेंस अकाउंट क्रिएट करना चाहता हूँ, इस पे क्लिक करोगे। और आई डोंट नो, अगर दोनों में कुछ भी नहीं है तो आई डोंट नो पे क्लिक कर सकते हो, लेकिन मैं नो आई नीड टू क्रिएट वन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा थोड़ी सी प्रोसेसिंग लेगा ये, और इसके बाद गूगल अकाउंट्स पे चला जाएगा और यहाँ पे आपको वो अकाउंट सिलेक्ट करना है जिससे पे ये मैसेज आया है, पे मैं क्लिक करूँगा। इसमें मैं जैसे ही क्लिक करूँगा यहाँ पे मेरे चैनल का जो URL है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। और यहाँ पे ये टिक करना है यस सेंड मी कस्टमाइज हेल्प एंड परफॉर्मेंस सजेशन, यानी आपको कुछ हेल्प की ज़रूरत है तो ये टाइम टू टाइम आपको बताता रहेगा। तो मैं यस पे यहाँ पे क्लिक करूँगा। और यहाँ पे आपको कंट्री चूज करनी है, मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे जाना है, आप देख सकते हो यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशन आप अच्छे से पढ़ सकते हो। और उसके बाद आपको यहाँ पे टिक कर देना है और क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करोगे ये आपको गूगल एडसेंस पे रीडायरेक्ट कर देगा और यहाँ पे आपको गूगल एडसेंस अकाउंट को क्रिएट करना होगा। यहाँ पे आपके जो चैनल का जो ईमेल आईडी एड्रेस पे नाम है वो आ गया है, यहाँ पे आप नाम चेंज कर सकते हो। यहाँ पे अकाउंट टाइप में इंडिविजुअली ही रहने देना है और यहाँ पे अपना नाम टाइप कर देना है। ये आपको अच्छे से एड्रेस को चेक कर लेना है और अच्छे से एड्रेस को चेक करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। और रीडायरेक्ट यू टू यूट्यूब, आपको यूट्यूब पे रीडायरेक्ट करेगा, मैं रीडायरेक्ट पे क्लिक कर देता हूँ। ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग में टाइम लेगा, आप देख सकते हो ये इन प्रोग्रेस है, यानी ये 2-3 घंटे में भी वेरीफाई हो सकता है और हो सके तो 2-3 दिन भी लग जाते हैं, लेकिन ये लगभग 24 घंटे के अंडर वेरीफाई हो ही जाता है। दोस्तों इस प्रकार से आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। और बात रही अकाउंट की, अगर आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर डालना है तो वो अगर आपके कुछ $10 के आसपास हो जाते हैं तो तब अकाउंट के लिए बोलता है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा? दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।